उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर के निर्देश पर शहर भर में गुंडा अभियान चलाया गया, जिसके चलते शहर के 300 से अधिक गुंडों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अपराध न करने की सबको हिदायत दी गई। उज्जैन में गुंडों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उज्जैन एसपी ने क्राइम मीटिंग लेकर जिले के लगभग 300 से अधिक गुंडों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एसपी सचिन अतुलकर के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चयनित अपराधियों को बुलाकर हिदायत दी जा रही है। साथ ही अपराधियों का जुलूस निकालकर आमजन से गुंडों को अवगत कराया जा रहा है। वहीं गुंडे बदमाशों के जुलूस का ऐसा ही एक नजारा नागदा में देखने को मिला। यहां शहर से माफिया राज खत्म करने के लिए पुलिस ने 31 में से 21 गुंडों बदमाशों का जुलूस निकाला। टीआई श्याम चंद्र शर्मा ने गुंडों को कन्याशाला चौराहा पर हिदायत दी और अपराध नहीं करने को कहा। वहीं नागदा थाने पर प्रत्येक बदमाश से बैंक खाता, मकान, दो व चार पहिया वाहनों सहित चल अचल संपत्ति का ब्यौरा संग्रहित किया। टीआई ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अब अपराध पंजीबद्ध हुए तो संबंधित बदमाश के मकान पर जेसीबी का पंजा लगेगा। जी क्या है कि ये ऐसे शख्स हैं, टोटल हमारे यहाँ अभी 31 थे, 31 में दो को जेल हो गई थी और अभी दो जेल में और हैं, शेष जो बचे हुए हैं इनके खिलाफ 122 का प्रकरण पेश किया एसडीएम साहब के। तारीख पे तारीख बढ़ रही, कई तारीख पे जो लोग नहीं जा रहे हैं, कुछ तारीखों में किसी कारणवश बढ़ रही है, तो इनको आज हमने सबको इकट्ठा करके थाने पर लेके आए हैं और इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इनको समझाइश दे रहे हैं कि इनके द्वारा कोई आगे कोई अपराध नहीं करें, यदि करेंगे तो और गंभीर कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। वी रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।